गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे हम आज का टॉपिक. और आज का टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस इन हाई प्लांट्स. ये टॉपिक आप शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे छोटी क्लासेस से कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है जो प्लांट्स के अंदर होती है, जिससे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं. तो फोटोसिंथेसिस का मीन्स ही वही है जो लाइट की प्रेजेंस में वो सिंथेसाइज कर रहे हैं. फोटो मीन्स होता है लाइट. तो लाइट की प्रेजेंस में प्लांट फूड अपना सिंथेसाइज करते हैं. किसको? सनलाइट को कैप्चर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और एज ए बाय प्रोडक्ट वहाँ पर ऑक्सीजन इवॉल्व होती है. तो क्या है ये? इट इज़ द प्रोसेस इन विच ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सिंथेसाइज, जो ग्रीन पार्ट्स हैं प्लांट के वो सिंथेसाइज करते हैं और मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंसेस, यानी जिसमें ग्लूकोज बनता है, फूड बनता है, ऑर्गेनिक फूड सब्सटेंस जिसको हम बोल रहे हैं यानी कार्बोहाइड्रेट, और यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाता है. इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट को कैप्चर करते हैं और कैप्चर करने के लिए प्लांट्स के पास आपको पता है क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट्स प्रेजेंट है एंड रिलीज ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट, और इसमें से ऑक्सीजन जो है एज ए बाय प्रोडक्ट रिलीज होती है. तो अब ये जितना भी प्लांट का ग्रीन पार्ट है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. अब स्पेशली कौन सी सेल्स में होती है, उन सेल्स को क्या बोलते हैं, इस पे क्वेश्चन आता है. तो ये सेल्स कहलाती हैं मीजोफिल सेल्स, जिनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है. अब इनके पास ऐसा क्या प्रेजेंट है? तो इनके पास जो ऑर्गेनल प्रेजेंट है उस ऑर्गेनल का नाम है क्लोरोप्लास्ट. ठीक है, तो ऑर्गेनल जो है वो है क्लोरोप्लास्ट. तो इसके पास बहुत सारे जो क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होते हैं और उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो पिगमेंट का नाम है वो है क्लोरोफिल. तो बच्चे इसमें भी कई बार कंफ्यूज होते हैं कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और क्लोरोफिल क्या है. तो बेसिकली कहां पर होता है? ग्रीन पार्ट में मीजोफिल सेल्स में, और मीजोफिल सेल्स में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट हैं और इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट है? पिगमेंट, जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल. ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनल है जो प्लांट्स के पास प्रेजेंट है, जिसकी वजह से प्लांट अपना खाना खुद बना पाते हैं, जिसको हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. और उसमें कौन सा पिगमेंट है? क्लोरोफिल. तो अब हम थोड़ा सा पहले इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट है उसका स्ट्रक्चर कि कहाँ पर. आपको सबको सबने पढ़ाया कि फोटोसिंथेसिस होता है, अभी हम देख भी रहे हैं कि प्लांट अपना खाना खुद बना रहे हैं. तो ये इतनी छोटी सी प्रोसेस नहीं है, ये थोड़ी सी बड़ी प्रोसेस है जो दो पार्ट में कंप्लीट होती है. एक को बोलते हैं हम लाइट रिएक्शन और एक को बोलते हैं हम डार्क रिएक्शन. सो ये जो प्रोसेस है ये इतनी छोटी प्रोसेस नहीं है. कैसे कैसे कंप्लीट होती है, कहाँ कहाँ कौन सी रिएक्शन होती है, कहाँ लाइट रिएक्शन होती है, कहाँ पर डार्क रिएक्शन होती है, तो वो हम पहले देख के उसके बाद फिर हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे. पहले हम क्लोरोप्लास्ट का एक बार स्ट्रक्चर देख लें. क्लोरोप्लास्ट सबको पता है डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है. भी इसके अंदर क्या होता है? फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है इस तरह से, एक दूसरे के ऊपर. ये जैसे कॉइन को एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं स्टैक्स ऑफ फ्लैटेंड सैक, यानी एक कॉइन को अगर हम एक साथ ढेरी लगा दें, ऐसे ही ये फ्लैटेंड सैक है जो एक दूसरे के ऊपर रखे रहते हैं और ये यहां पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में इस तरह से. ठीक है, और आपस में ये ऐसे इंटरकनेक्टेड होते हैं. तो ये जो होगी आउटर मेम्ब्रेन, फिर आ गई इनर मेम्ब्रेन, ये वाला पार्ट जो है, ये वाली जो स्पेस है ये जो है इसको बोलते हैं हम स्ट्रोमा, और ये जो फ्लैटेंड सैक है इस एक को हम बोलते हैं थाइलेकोइड, जो सिंगल है. सिंगल एक कॉइन है, तो जैसे एक कॉइन है ऐसे करके हम बहुत सारे कॉइन इकट्ठा कर दें तो वो स्टैक बन जाता है, इस तरह से थाइलेकॉइड. एक को बोलते हैं थाइलेकॉइड और इस ग्रुप को, जैसे ये पूरा एक ग्रुप हो गया, पूरा एक स्टैक हो गया, इसको हम बोलेंगे ग्रेना. ठीक है, ये हो गया स्ट्रोमा. और ये जो कनेक्टिंग चैनल्स हैं ये कहलाते हैं स्ट्रोमा लैमेली. ठीक है, अब यहां पर जो ये वाला है यानी जो थाइलेकोइड है इसके अंदर होती है लाइट रिएक्शन, यानी इसके अंदर क्या भरे हो, जो है पिगमेंट सारे प्रेजेंट हैं और ये पिगमेंट्स जो है ये लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करते हैं और
क्या बनाते हैं? एनर्जी मॉलिक्यूल, एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो बेसिकली फोटोसिंथेसिस टू पार्ट्स में कंप्लीट होती है। पहला होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन यानी जो लाइट की प्रेजेंस में होती है, क्योंकि यहां पर तो लाइट को कैप्चर करना है, तो लाइट की प्रेजेंस में हो रही है, यानी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, क्योंकि लाइट एनर्जी को ही तो अब्सॉर्ब करना है, जो सनलाइट है उसी को तो प्लांट अब्सॉर्ब करते हैं। और अब्सॉर्ब करके क्या बनाते हैं? पहले दो पार्ट में ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो पहला पार्ट है लाइट रिएक्शन, जिसके अंदर ये बनाते हैं एनर्जी मॉलिक्यूल एटीपी एंड एनएडीपीएच। एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एनएडीपीएच निकोटिनामाइड एडिनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। तो ये दोनों जो है एनर्जी मॉलिक्यूल है, सबको अभी तक एटीपी पता था, ये एक और एनर्जी मॉलिक्यूल। ये दो चीजें जो है वो बनती हैं लाइट रिएक्शन में। और उसके बाद डार्क रिएक्शन में बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बन जाता है? कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो डार्क रिएक्शन में बनता है कार्बोहाइड्रेट और लाइट रिएक्शन में बनता है एटीपी एंड एनएडीपीएच। तो ये प्रोसेस कहाँ हो रही है? ये प्रोसेस हो रही है थाइलेकोइड में। यहाँ पर ये सारे पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं जो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे, और अब्सॉर्ब करके हम पूरी प्रोसेस डिटेल में पढ़ेंगे, अभी खाली जनरल इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर क्या बना देंगे? एटीपी एंड एनएडीपीएच। डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को अब्सॉर्ब करने के लिए यहाँ पर डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं, कैसे अरेंज होते हैं उसको अभी हम पढ़ेंगे। उसके बाद जब ये मॉलिक्यूल्स बन गए, तो जो डार्क रिएक्शन है उसका मतलब ये नहीं है कि वो डार्क होगा तभी परफॉर्म होगी, नहीं, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। मतलब इसको लाइट की जरूरत नहीं है, इसको क्या चाहिए? ये मॉलिक्यूल्स चाहिए एटीपी और एनएडीपीएच। क्या बनाने के लिए? खाना बनाने के लिए, फूड बनाने के लिए, यानी कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करना है किसमें? कार्बोहाइड्रेट में। तो इसको ये एनर्जी मॉलिक्यूल चाहिए, इसको लाइट की जरूरत नहीं है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। तो ये दोनों मॉलिक्यूल यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट कहां पर होता है? ये रिएक्शन होती है स्ट्रोमा के अंदर, यहां पर। तो स्ट्रोमा के अंदर होती है डार्क रिएक्शन और थाइलेकोइड में होती है लाइट रिएक्शन, और जो स्ट्रोमा लैमिनी है इसमें भी होती है लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो स्ट्रोमा लैमेली में भी लाइट रिएक्शन होती है, थाइलेकोइड में भी लाइट रिएक्शन होती है। जो स्ट्रोमा है वहां पर होती है डार्क रिएक्शन, यहाँ पर इसके लिए सारे जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं, और यहाँ पर ये स्टार्च वगैरह जैसे फूड बन गया तो वो किसके फॉर्म में स्टोर होता है? तो यहाँ पर हमें स्टार्च भी देखने को मिलेगा, इसका डीएनए भी देखने को मिलेगा, राइबोसोम्स भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे स्ट्रोमा में देखने को मिलती हैं। इसका खुद का डीएनए भी होता है, ये भी पता है आपको। तो ये इस तरह से यहाँ पर लाइट रिएक्शन परफॉर्म की जाएगी, जो लाइट एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा। तो ये एनाबॉलिक प्रोसेस है क्योंकि यहाँ पे फूड बन रहा है, और उसके बाद यहाँ पर एटीपी और एनएडीपीएच बनेगा, और वो कहाँ यूटिलाइज होंगे? स्ट्रोमा में, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट यानी फूड की फॉर्मेशन होगी। तो ये कहाँ प्रेजेंट है? मेसोफिल सेल्स में, यानी ग्रीन पार्ट्स में प्लांट के। तो यहाँ पर होती है, अब कौन कौन से पिगमेंट्स हैं तो, और वो किस तरह से अरेंज हैं? हमने बोला थाइलेकोइड के अंदर है, लाइट रिएक्शन हो रही है, वहां पर डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स हैं, तो उनका अरेंजमेंट कैसा होता है वो हम देख लेते हैं, और डिफरेंट कौन से वेवलेंथ की लाइट है जिसको ये अब्सॉर्ब करते हैं, तो वो अब हम नेक्स्ट उसमें देख लेते हैं।